प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे फंजाई का एस्कोमाइसिटी डिस्कस किया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपका बैसिडियोमाइसिटिस, है ना। तो बैसिडियोमाइसिटिस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, बैसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो बैसिडियोमाइसिटिस क्या है बेटा, एस्कोमाइसिटिस से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कॉमनली इनको हम ब्रैकेट फंजाई या गिल फंजाई के नाम से जानते हैं, हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई या गिल फंजाई, है ना। तो कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजाई और गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई या गिल फंजाई के नाम से जानते हैं कॉमनली हम इनको, ठीक है। सेकंड थिंग, कहाँ कहाँ ये रह सकते हैं, पैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर, कैसे होते हैं पैरासाइट्स। देखिए एग्जांपल आप ले लीजिए मशरूम, तो आपने देखा होगा, मशरूम सबने देखा होगा, है ना। तो मशरूम क्या है, सॉइल पर भी ग्रो कर सकता है ना, प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर सकता है ना, प्लांट बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। कुछ रस्ट होती है मशरूम, है ना, मशरूम को हम स्मूथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इसके बाद अगेन सॉरी, मशरूम जो है वो आपका अगेनिकस के नाम से जाना जाता है। तो मशरूम आपको मालूम जनरली सॉइल में ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, सॉइल में। तो कहाँ रहते हैं, लिविंग सॉइल, ठीक है, या फिर ऑन द वुड, लकड़ी के ऊपर, कोई पुरानी लकड़ी पड़ी हुई उसके ऊपर भी ग्रो कर सकती है ना। कुछ रस्ट और स्मूथ होती हैं, क्या रस्ट एंड स्मूथ, ठीक है, इस तरीके की फंजाई, ठीक है। ये तो एलेक्टस को मशरूम कहते हैं, रस्ट और स्मूथ इस तरीके की फंजाई क्या प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती है, इसके ऊपर प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, है ना। तो रस्ट देख लीजिए, रस्ट क्या क्या होता है, रस्ट का एग्जांपल होता है पक्सीनिया, सुना होगा आपने, है ना, प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं आप क्या, ऑन द प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, ये बात समझिए आप, ठीक है। ये तो एक तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, इनके ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कह सकते हैं पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं ज्यादातर वैसे भी, और रस्ट भी, स्मट भी, है ना। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है इसमें, तो देखिए बैरिकेटेड प्रोडक्शन होता है इसमें, कैसा होता है, वेजिटेटेड, तीनों टाइप प्रोडक्शन आपको बताए जाएंगे। तो वेजिटेटेड प्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो वेजिटेटेड प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड थिंग में बताया था आपको असेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहां पर लिखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और असेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं बनते, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है किसके द्वारा होता है, सोमेटोगेमी के द्वारा, सोमेटोगेमी, प्लाज्मोगेमी और टेलोगेमी, इसको डिटेल में समझाते हैं अभी हम। सेकंड थिंग, ये होते कैसे हैं, ब्रांच्ड, कैसे होते हैं ब्रांच्ड, इनका आईपी कैसा होता है इस तरीके से, ठीक है। ये आईपी ब्रांच्ड और सेप्टेड,
सेपरेट होते हैं ये, ठीक है। तो माइसिलियम कैसा है इनका, माइसिलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेड, न्यूक्लियस होगा एक, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का माइसिलियम होगा, ठीक है। तो माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसिलियम कैसा होगा, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। कैसा होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है, इसमें कोई सीरोसिटिक कंडीशन नहीं होती, ठीक है। ब्रांच और सेप्टेड माइसिलियम होता है, सॉरी ब्रांच और सेप्टेड माइसिलियम होता है, ठीक है, सीनोसिटिक कंडीशन नहीं होती, ठीक है। सेप्टेड होता है, सेप्टेड, 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 यानी सेप्टेड होता है, सेप्टेड, सेप्टेड बनाया होता है, सेप्टा पाया जाता है, सीधी सी बात ये है, ये ब्रांच होता है, ये ब्रांच होगी आपके और ये सेप्टा से प्रेजेंट होंगे, एस्कोमाइसिटिस से मिलता जुलता ही है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको सेक्स रिप्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, ये आपको फाइव चीज क्लियर हो गई होंगी कि कॉमनली इसको हम ब्रैकेट फंजाई और रिल फंजाई कहते हैं। माइसिलियम इसका ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है, सेप्टा पाए जाते हैं, है ना। और मशरूम जैसे एग्जांपल इसका, तो ये क्या सॉइल में भी रह सकता है, घुट पर भी रह सकता है, रस्ट और स्मट, जैसे पक्सिनिया, रस्ट को हम क्या कहते हैं, पक्सिनिया, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेटा ऑन द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी पर भी ग्रो कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन बेटा आप देख रहे हैं, बेल्ट रिप्रोडक्शन अगर सोच फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है थोड़ा सा बताया था, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता बेटा, जैसे ये कोई माइसिलियम है, ये माइसिलियम है, ठीक है, ये माइसिलियम है, इस माइसिलियम में क्या हुआ, टू पीस हो गए, इसके फ्रेगमेंट हो गए, इसके फ्रेगमेंट हो गए, यानी कि एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये और एक फ्रेगमेंट ये, ठीक है। तो ये दोनों ही फ्रेगमेंट क्या करेंगे, टू न्यू माइसिलियम को डेवलप कर देंगे, टू न्यू माइसिलियम को डेवलप कर देंगे, इसको कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ब्रेक इनटू द टू या थ्री पीसेस, जितने ही फ्रेगमेंट हो जाए, है ना। तो कोई भी माइसिलियम ब्रेक हो जाता है टू और मोर देन टू पीसेस, है ना, और वो एवरी फ्रेगमेंट हम क्या कहते हैं, इसको फ्रेगमेंट कहते हैं, और ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द न्यू माइसिलियम, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द न्यू माइसिलियम, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन अकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी बॉडी डिवाइड होती है दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में, और ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द न्यू माइसिलियम, न्यू माइसिलियम में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। असेक्सुअल स्पोर्स में फॉर्मेशन नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बता देते हैं आपको, इसको थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा किस तरीके से होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, कोई मान लीजिए दो सेल्स हैं, ये दो सोमेटिक सेल्स हैं या वेजिटेटिव सेल्स, सोमेटिक सेल्स हैं मान लीजिए कोई दो, है ना। तो ये टू सेल्स क्या करेंगी, आपस में इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सोमेटिक सेल्स है तो सोमेटोगेमी बोल सकते हैं, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो प्लाज्मोगेमी हुई, अगर प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है बट न्यूक्लियस इतनी जल्दी फ्यूज नहीं होते। तो एक सेल उनकी तैयार होती है कैसी, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियोन। तो ये कैसी सेल है, ये है डाइकैरियोन, क्योंकि दो न्यूक्लियस है, कैसी सेल है,
डाइकैरियन, ठीक है, ये कैसी कंडीशन हो गई, डाइकैरियन कंडीशन हो गई, डाइकैरियोटिक सेल, ऐसा है ये डाइकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस डाइकैरियोटिक सेल्स को हम बोलते हैं बेसिडियम, क्या बोलते हैं बेसिडियम, यही बेसिडियम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेसिडियो कार्प में, किसमें, बेसिडियो कार्प, ठीक है। डाइकोटिलेडोन सेल बेटा यहां से प्लाज्मोगैमी हुई है, जब भी कोई डिवीजन होता है ना, तो जब उसमें फ्यूजन होता है पहले प्लाज्मोगैमी होती है फिर कैरियोगैमी होती है, या फिर पहले कैरियोगैमी होती है फिर प्लाज्मोगैमी होती है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पहले प्लाज्मोगैमी हुई है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ बट न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये बेसिडिया फॉर्म होता है, जिसकी स्टेज क्या है, टू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बेसिडिया कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ आफ्टर सम टाइम, बोथ न्यूक्लियर आर फ्यूज्ड, दैट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज कैरियोगैमी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस फ्यूज जाएंगे और एक सेल बनेगी आफ्टर कैरियोगैमी, किसके बाद, कैरियोगैमी के बाद, ठीक है, कैरियोगैमी हो गई, ये बेसिडियो कार्प में। अब क्या होगा इसमें कैरियोगैमी के बाद, कैरियोगैमी के बाद बेटा इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस, म्यूसिस डिवीजन होगा उसमें, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन में क्या होगा, इस एक सेल से फोर सेल बनेंगे, कितनी बनेंगी, फोर सेल, वन टू थ्री फोर, ठीक है, यानी कि फोर बेसिडियो स्पोर बनके तैयार होते हैं, क्या बनके तैयार होते हैं, फोर बेसिडियो स्पोर, कितने, फोर, फोर बेसिडियो स्पोर, एक बेसिडिया से फोर बेसिडियो स्पोर बनते हैं, ठीक है, और ये बेसिडियो स्पोर आगे जाके क्या करते हैं, माइसीलियम में ग्रो कर जाते हैं। एक बच्चे ने उससे पूछा था मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है, बेटा ये आपको नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में पढ़ाया गया होगा बट आपको ध्यान नहीं होगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको एट चैप्टर में, ये सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है, सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है आपका एट, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगी मियोसिस और माइटोसिस, बड़ा डिटेल पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है, बेटा माइटोसिस में जो होता है, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में कोई एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल बनती है और उसके जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर कैसे रहते हैं, सेम, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है इसको। और मियोसिस जो होती है, मियोसिस में एक से फोर सेल बनती है, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं, हाफ, इसमें कैसे आते हैं, हाफ, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, है ना, एक सेल से फोर सेल बनती है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये कंडीशन आती है, ये डिवीजन है, आप वो आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे एक चैप्टर में, अभी आप उसको पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल मास्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।